I welcome you all once again to my channel Explore Education, and today I am going to discuss a theory of transformational grammar which comes under the language development. Okay, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College. It is a constituent college of University of Allahabad and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for Hindi as well as English medium students, and will be useful for various teaching examinations. Okay, so let's start. First of all, who has given the transformational theory? Who has given the theory of transformational grammar? So let's revise. हम लोग बात कर रहे थे भाषा विकास की. जब हमने भाषा विकास की बात की थी तो हमने नोम चोम्स्की पर एक अलग वीडियो बनाया था आपके लिए, जिससे कि ये पता चल सके कि चोम्स्की साहब भाषा के विकास पर क्या कहते हैं. तो वहां से हमको ये पता चला था कि वो यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, कि दुनिया की सारी भाषाओं में एक सार्वत्रिक व्याकरण व्याप्त रहता है और इस वजह से वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो LAD होता है वो हमारे ब्रेन में होता है. तो इस तरीके की यूनिवर्सल ग्रामर की बात चोम्स्की साहब ने की थी, लेकिन वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ये शब्द नहीं आया था. और ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या है, इसलिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि उसमें कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बात नहीं की गई थी. तो ये इतना व्यापक होता है ये पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र कि कितना भी आप कवर करें कुछ ना कुछ रह ही जाता है. लेकिन हम लोग भी लगे रहेंगे लगातार तब तक जब तक कि मैक्सिमम चीजें हम कवर ना कर लें. ओके, तो हम लोग आज ये जान लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या है, और इस पर अगर सवाल पूछा जाए तो हमसे मिस ना हो. तो कौन है इसका प्रोपेगेटर, इसको चलाने वाला, इसका आर्किटेक्ट नोम चोम्स्की ही है. ऑल्सो नोन एज TGG, मतलब इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं. तो ऑल्सो नोन एज TGG, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, रिफर्स टू द थियरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय चोम्स्की. मतलब चोम्स्की साहब जो नेचुरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो जनरेटिव ग्रामर की बात कर रहे हैं, वहीं से ये ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर आया है. इट इज बेसिकली अ थ्योरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज इन द ह्यूमन ब्रेन. ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि हमारे मस्तिष्क में जो प्रोसेसिंग होती है, जो क्रिया चलती है ग्रामेटिकल नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करने की, उसको ग्रैस्प करने की, उसको समझने का एक थ्योरी है. कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी. फिर नोम चोम्स्की कौन थे? US लिंग्विस्ट. ये आपको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दे दूंगी, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, कि रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि चोम्स्की साहब क्या कौन थे, उन्होंने क्या बताया था. तो नोम चोम्स्की US लिंग्विस्ट हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये भाषा विज्ञानी हुए हैं. वॉज द मेन प्रोपिगेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इन द 1960s. और जो ये बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की, 1960 के दशक में चल रही है, और आप अभी आगे पढ़ेंगे तो मेन आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि 1957 में इनकी किताब आई थी, उसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है वो लिंग्विस्टिक के क्षेत्र में उद्भव होता है उसका. हिज थियरी अपोज्ड द अर्लियर थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बाय रिजेक्टिंग द आइडिया दैट ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. मतलब इनके पहले जो भाषा विज्ञानी हुए जो स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाते हैं, वो सभी कहते थे कि एक जो भाषा है वो दूसरे भाषा से अलग है. हिज थियरी अपोज्ड द अर्लियर थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म by rejecting the idea that each language is different from the other. मतलब कि जो structuralist हुए, इनके पहले जो भाषा विज्ञानी हुए, वो ये कहते थे कि प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से अलग है. और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि हर भाषा में वो तत्व विद्यमान है जो हर भाषा को एक दूसरे से जोड़ता है. In fact, it analyzes language on the basis of certain universal tenets in languages. ये क्या कहते हैं? इन्होंने भाषा का विश्लेषण किस तरह से किया? ये कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सल टीनेट भाषा में होता है जो हर भाषा में विद्यमान होता है. ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, यानी कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट से अलग है और कहीं कहीं इसके तार फिर से यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ते हैं. लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, ये एक अलग चीज है यूनिवर्सल ग्रामर से, और हमको ये जानना जरूरी है. ओके, कंसेप्ट क्या है इसका? Transformational grammar is a theory of grammar that accounts for the constructions of a language by linguistic transformations and phrase structures, also known as transformational generative grammar or TG or TGG. मतलब जो transformational theory है, जो grammar की transformational grammar theory है, वो कहती है कि जो लैंग्वेज होती है उसका निर्माण कैसे होता है? लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि भाषाई जो परिवर्तन होते हैं. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की हिंदी परिवर्तनीय व्याकरण है. ओके, तो फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज बाय लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फ्रेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि भाषा के परिवर्तन से और फ्रेज के स्ट्रक्चर से ये थ्योरी निकल कर आई है. ऑल्सो नोन एज TGG. ये तो बात हो गई कि इसको
ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। फिर कब किस किताब में, किस पुस्तक में, कब कौन से आर्टिकल में इन्होंने जिक्र किया टीजीजी या टीजी का, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर करके एक इनकी किताब आई थी 1957 में। फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ नोम चॉम्स्की'स बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स इन 1957, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। यानी कि जब 1957 में इनकी किताब आ रही है उसके बाद कई सालों तक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का जो कंसेप्ट है वो डोमिनेट करता है, उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। द एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एज इट इज कॉल्ड सिग्निफाइज अ शार्प ब्रेक with the linguistic tradition of the first half of the 20th century both in Europe and America, because having as its principal objective the formulation of a finite set of basic and transformational rules that explain how the native speaker of a language can generate and comprehend all its possible grammatical sentences. देखिए ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के, चूंकि अगर हम इसको यूनिवर्सल ग्रामर से कनेक्ट करें तो वहां पे भी हमको बताया जा रहा है कि LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ब्रेन में है, तो कोई ऐसा मतलब हम अगर उसको समझ जाते हैं, वो ग्रामेटिकल रूल समझ जाते हैं, तो हम उस भाषा के प्रत्येक ग्रामर को समझ जाते हैं और हमने वो शब्द जो कभी नहीं सुना है, वो चीज जो हम कभी नहीं हमने सुनी देखी है, उसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट से डिफर कर रहे हैं यहाँ पे। और जो 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में जो यूरोप में, जो अमेरिका में लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन चल रहा था, उससे ये बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। इट फोकसेस मेनली ऑन मोस्टली ऑन सिंटैक्स एंड नॉट ऑन फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी एज अ स्ट्रक्चरलिज्म डस। यानी कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो किस पे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे फोनोलॉजी यानी कि ध्वनि विज्ञान, मॉर्फोलॉजी मीन्स आकृति विज्ञान पे बात कर रहे थे, जैसे हम लोग फोनेटिक्स पे बात करते हैं ना। बल्कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, सिंटैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाक्य विन्यास जो है वो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कौन, चोम्स्की। और ये निकलता कब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लिंग्विस्टिक्स 2005 में ये बात लिखी गई है। फिर बेसिक टीनेज अगर इसका देखें तो टीजी विच इज यूजली जनरेटिव, मतलब इसका बेसिक टीनेट क्या है, किस पर ये बेस्ड है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर विच इज यूजली जनरेटिव ग्रामर डिस्क्राइब्स ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। यानी कि ये इस तरीके की ग्रामर कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, जिस जो कि किस पर आधारित है, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स पर आधारित है। इट इन्वॉल्व लॉजिकल रीजनिंग, और ये किस, इसमें क्या चीज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग है ग्रामर में भी, लैंग्वेज में भी, लिंग्विस्टिक में भी, ये कहते हैं कि ये लॉजिकल रीजनिंग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टू अंडरस्टैंड फुल्ली द मीनिंग ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड्स। मतलब ये कहते हैं कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसने कौन सा शब्द चुना है, उसके पीछे भी लॉजिकल रीजनिंग है। एट सच ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर गोज अ स्टेप अहेड ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर विच फोकसेस मोर ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, है ना। यानी कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनसे एक स्टेप अहेड ये बात करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं कि पर्टिकुलर शब्द चुना ही क्यों गया बोलने के लिए। फिर अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एनालाइजेस द वर्ड्स विद रेफरेंस टू देयर अंडरलाइन थॉट्स। यानी कि ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है वो शब्दों का विश्लेषण उस हिसाब से करती है कि उसके अंडरलाइन, उसके नीचे, उसके बीनीथ जो विचार है। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक टूल्स सच एज सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या कहती है, कहती है कि हमको वाक्य विन्यास देखना है, हमको पॉसिबल मीनिंग ऑफ वर्ड्स देखना है, हमको लॉजिकल रीजनिंग देखनी है कि क्यों वो शब्द चुना गया, उस शब्द के चुनने के पीछे विचार क्या, ये सारी बातें ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कर रही है जो स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं कर रहे थे इनसे पहले। ओके देन डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्कीयन थ्योरी टीजी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इन्वॉल्व्स टू लेवल्स। ये कहते हैं दो स्तर हैं भाषा में टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि कोई भी वाक्य है, उसकी संरचना है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए दो लेवल होते हैं। पहला नोन एज द डीप स्ट्रक्चर एंड द सरफेस स्ट्रक्चर। एक जो है वो गहराई में है और एक जो हमको सतह पे दिखाई देता है। तो द डीप स्ट्रक्चर क्या है, इम्प्लाइज अ मोर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म अंडरलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ये कह रहे हैं कि जो डीप स्ट्रक्चर है वो एक हमको अमूर्त एक समझ को विकसित करता है। मतलब कि वो चीज जो दिख नहीं रही है,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ये फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसका डायग्राम आपको मिल जाएगा आगे, इन विच द एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ ए सेंटेंस आर डिपिक्टेड इन ए हायरार्किकल ट्री डायग्राम। ये कह रहे हैं कि शब्दों और फ्रेजेस के बीच में भी रिलेशनशिप है, और एंड फ्रेजेस ऑफ ए सेंटेंस, और इसको हम एक हायरार्किकल ट्री डायग्राम से देख सकते हैं। मतलब कि ट्री मतलब एक मेन बिंदु होगा, उससे शाखाएं निकलेंगी और हायरार्की होगी, यानी कि सेट होगा कि क्या ऊपर है, क्या उसके नीचे, क्या उसके नीचे। फिर द डीप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड द सीमेंटिक रिलेशंस ऑफ ए सेंटेंस एंड वाज मैप्ड ऑनटू द सरफेस स्ट्रक्चर। और जो डीप स्ट्रक्चर होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है, सीमेंटिक रिलेशंस, यानी कि उसके अर्थ क्या है सेंटेंसेस के, और वो हमको सरफेस स्ट्रक्चर पे दिखाई देता है, यानी कि जो सरफेस पे दिखाई दे रहा है उसके बीनीथ भी बहुत कुछ मीनिंगफुल है। ओके, देन द सरफेस स्ट्रक्चर, और सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, द सरफेस स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो दिख रहा है, जो आपके मानसिक प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसका, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का, यानी कि जो हम बोलना चाह रहे हैं उसका, डिराइव्ड फ्रॉम डीप स्ट्रक्चर, और डिराइव लेकिन ये डीप स्ट्रक्चर से ही हुआ है, और किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स इसमें लगे हैं। The surface structure refers to the actual form of structure of a sentence used. Actually, जो हम बोल रहे हैं वो हमको surface structure पे दिखाई दे रहा है. Besides the two levels of sentence structure, transformational grammar consists of a body of formal rules to enable transforming deep structures to surface structure. यानी कि जो हमको surface पे दिखाई देता है वो deep structure से ही बन के आता है, और उसमें rules transformational grammar के follow किए जाते हैं. Okay. जी, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज दस अ थियरी ऑफ ग्रामर, यानी कि व्याकरण की का ये वो सिद्धांत है जो कहता है विच होल्ड्स दैट ए सेंटेंस टिपिकली हैज मोर देन वन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। वो कहता है वाक्य जो हमको वाक्य दिखाई दे रहा है उसके एक से ज्यादा स्तर हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर विच इज ऑब्वियसली हैज ऑन द सर्फेस, इट ऑल्सो हैज एन एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि एक तो जो है हमको दिखाई दे रहा है जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है, उसके अलावा एक उसके बीनीथ भी एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है जिसका कि नाम इन्होंने डीप स्ट्रक्चर दिया। द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इन चोम्स्कीज व्यू इज दैट सर्टेन इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेज इन ए लैंग्वेज मे बी स्टेटेड फार मोर इजिली इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डीप स्ट्रक्चर्स। वो कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को हम एब्स्ट्रैक्ट डीप स्ट्रक्चर के फॉर्म में इजीली एक्सप्लेन कर सकें। ओके, और क्या कह रहे हैं, ये विश्वास रखते थे कि दैट देयर वुड बी कंसिडरेबल सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंग्वेजेस डीप स्ट्रक्चर्स एंड दैट डीप स्ट्रक्चर्स वुड रिवील प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल लैंग्वेजेस विच वर कनेक्टेड बाई देयर सर्फेस स्ट्रक्चर्स। दिस हैज कम टू बी नोन एज यूनिवर्सल ग्रामर। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर को समझने का सिद्धांत ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, कि कैसे उन्होंने ये निकाला कि जो जितनी भी भाषाएं हैं या दुनिया की मैक्सिमम भाषाएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कि सबका जो डीप स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सिमिलर। You can understand by this, है ना, कि सब deep structure में एक दूसरे से मिलते हैं, properties उनकी common हैं, और वो surface structure पे जो भी दिख रहा है, लेकिन deep structure में all languages are interconnected, और इसी को इन्होंने बाद में universal grammar का नाम दिया है। ओके, और जिस phrase structure tree की बात हो रही थी वो ये phrase structure tree है। ये देखिए sentence है, S for sentence, NP means noun, VP noun phrase, verb phrase, noun phrase में देखिए article, adjective, noun, और verb phrase में भी verb, noun, noun phrase में फिर article, adjective, noun। तो ये पूरा एक sentence बन गया क्या, कि the drunken sailor saluted the puzzled cat, ये है ना structure sentence, noun phrase, verb phrase, noun phrase में article, adjective, noun, verb phrase में फिर verb, noun phrase, और फिर noun phrase में article, adjective, noun, और इस तरीके से sentence बनता है। A phrase structure tree in transformational grammar is a diagrammatic representation of sentences distinguished by their syntactic characteristics. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वर्ब फ्रेज नाउन फ्रेज हर सेंटेंस में होना ही है, प्रोपोजिशनल फ्रेज हो सकता है कहीं कहीं, एंड सो ऑन, और मोस्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन ए लैंग्वेज आर गवर्न्ड बाय द रूल दैट इट शुड कंटेन अ नाउन फ्रेज एंड अ वर्ब फ्रेज। और सेंटेंस कैसे बनेगा, कि हर सेंटेंस में कम से कम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज तो होगा ही होगा। इस तरह से ये फ्रेज स्ट्रक्चर थी, और इसी को हम कहते हैं हायरार्किकल ट्री डायग्राम। ओके, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीजी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी जो वो दे रहे हैं 1957 में, उसके बाद से उसका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और अब वो बिल्कुल उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो आई थी। तो क्या हुआ, उसके संग क्या क्या बदलाव हुए, कि टीजी हैज डेवलप्ड थ्रू ए नंबर ऑफ वर्जन ईच सक्सीडिंग द अदर, हर बार एक नया वो वर्जन लेके आया जो पिछले वाले से अलग था, उसको सक्सीड कर रहा था, या आप कह सकते हैं कि उसकी जो कमियां थी उसको ओवरकम कर रहा था। इन हिज 1957 बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स चोम्स्की प्रोवाइडेड ओनली ए पार्शियल स्केच ऑफ वेरी सिंपल
सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो 1957 में जब वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत एक पार्शियल स्केच की बात कर रहे हैं। फिर दिस प्रूव्स टू बी इनएडिक्वेट एंड इन हिज 1965 बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, मतलब कि वो इनएडिक्वेट होता है तो फिर वो दूसरी बुक लिखते हैं 1965 में एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, जिसमें चोम्स्की बताते हैं प्रपोज्ड अ वेरी डिफरेंट एंड मच मोर कंप्लीट वर्जन। यहाँ पे ये कंप्लीट वर्जन दे रहे हैं, डिफरेंट वर्जन दे रहे हैं टीजी से। दिस वर्जन इज वेरियसली नोन एज द एस्पेक्ट्स मॉडल और एज द स्टैंडर्ड थ्योरी। इस मॉडल को वो स्टैंडर्ड थ्योरी या एस्पेक्ट मॉडल के नाम से जाना जाता है। अराउंड 1968 के आसपास स्टैंडर्ड थ्योरी केम अंडर अटैक फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ यंगर लिंग्विस्ट। फिर इस थ्योरी में भी बहुत कुछ कमियां जो तत्कालीन भाषाविद हैं वो बताते हैं, तो फिर वो अपनी थ्योरी में चेंज करते हैं। चोम्स्की रिस्पॉन्डेड टू ऑल दिस बाय द अर्ली 1970s बाय इंट्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ चेंजेस टू हिज फ्रेमवर्क। द रिजल्ट बिकेम नोन एज द एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी और ईएसटी। और फिर बहुत चेंजेस में करके वो फिर से एक नई थ्योरी लाते हैं, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, यानी कि पहले ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी, फिर स्टैंडर्ड थ्योरी, फिर एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, और लेट 1970s में फिर उसमें चेंज करके वो कहते हैं उसको रिवाइज एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी और नाम देते हैं उसको रेस्ट का। फिर चोम्स्की कंटिन्यूड टू डेवलप हिज आइडियाज एंड इन 1981 ही पब्लिश्ड लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग। दिस बुक स्वेप्ट अवे मच ऑफ द एपरेटस ऑफ द अर्लियर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज इन फेवर ऑफ ए ड्रामेटिकली डिफरेंट एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच कॉल्ड गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी और GB। यानी कि जो 1981 में इनकी थ्योरी आ रही है वो पूरी तरह से यू कैन से कि ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर थ्योरी, और इसको नाम दिया गया गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी या GB का। तो इसका मतलब कि उसमें रूपांतरण होता रहा परिवर्तनीय व्याकरण में, यानी कि चोम्स्की अपना थ्योरी देखे रुके नहीं और वो बार बार उसमें सुधार करते रहे। हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज यूज्ड रूटीनली टू अंडरस्टैंड द ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स कैसे ग्रुप बनाते हैं इसको समझाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एक रूटीन में यूज किया जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ एक्चुअल सेंटेंसेस इवॉल्व बाय मैनिपुलेटिंग द कॉमन फॉर्म ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। और ये क्या व्याख्या करती है, ये व्याख्या करती है कि जो एक्चुअल सेंटेंसेस जो वाक्य हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, यही ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। और अ नंबर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैव सिंस इवॉल्व बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन चोम्स्की ओरिजिनल थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। यानी कि बहुत सारी थ्योरीज इसके बाद आई लेकिन सबका बेस यही टीजी रहा, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ही रहा। और इस वक्त मतलब तत्कालीन समय में अगर हम देखेंगे तो फॉर पर्पसेस ऑफ लिंग्विस्टिक रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में नाउ बी रिगार्डेड एज डेड। यानी कि जो कि चोम्स्की ने ही उसमें इतने परिवर्तन कर दिए तो आप इसको एक तरीके से मृत प्राय मान सकते हैं। बट दो उसके बावजूद इट्स इन्फ्लुएंस हैज बीन इनॉर्मस एंड इट्स सक्सेसेस आर मैक्सिमली प्रोमिनेंट। लेकिन इसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा रहा भाषा विज्ञान पर और इसके पे बहुत 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 काम हुआ। तो आई थिंक कि अब हम लोग चोम्स्की पर अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसको बता पाएंगे। तो हर बार अगर अगली बार फिर कुछ ऐसा मिला जो मैंने नहीं कवर किया हो तो मैं फिर से उसको आपको बताऊंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का कंसेप्ट ये है और कैसे ये यूनिवर्सल ग्रामर से मिलता है, और ये भी चोम्स्की का ही कंसेप्ट है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।